now we are going to read about map 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 is a drawing of a whole or a part of earth on a flat surface jo globe hota hai that is model of earth वो round shape में होता है वो जैसे earth का model है पूरी earth कैसी shape में है सферाड़ shape में वैसे ही globe बना होता है उसको हम राउंड शेप में घुमा के उसकी एक साइड से दूसरी साइड चेक कर सकते हैं बट जो मैप होता है दैट इज ऑन फ्लैट सरफेस मैप को हम फ्लैट सरफेस पे बनाएंगे वो फ्लैट सरफेस पे होता है उसको हम राउंड शेप में नहीं देख सकते उसका अर्थ का फ्लैट सरफेस सारा दिखाया जाता है ये देखिए ये है मैप ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड मैप है ये इसको हम देखेंगे कि ये जो कलरफुल हैं दीज आर द कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स है और जो ये ब्लू कलर में है दैट इज ऑशियंस ब्लू कलर का जो पार्ट है अर्थ का वो सारा ऑशियन का पार्ट है मीन्स ये सारा पानी वाला पार्ट है यहाँ पर इतने एरियाज में अर्थ के ऊपर ये सारा पानी है सो दिस इज इन ब्लू कलर सो दिस वॉज द मैप ड्राॅइंग ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस मैप्स कैन भी डिफरेंट इन साइजेस मैप जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस में होते हैं उनको हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे साइज में देख सकते हैं स्मॉल मैप को हम क्या कर सकते हैं फोल्ड करके रोल करके उसको अपनी पॉकेट में बैग में डाल सकते हैं बिग मैप आर यूजली हंग अप ऑन द वॉल्स बिग मैप्स को हम वॉल के ऊपर हैंग करेंगे और मैप शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक सिटीज माउंटेन्स ऑशियन सीज रिवर्स एक्सेट्रा इन ग्रेट डिटेल मैप के ऊपर हमें अर्थ के हर एक पार्ट की ग्रेट डिटेल मिल जाती है प्रॉपर पूरी की पूरी डिटेल मैप के ऊपर हमें मिल जाती है अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एंड एटलेस मैप्स की जो बुक होती है दैट इज कॉल्ड एटलेस सो दिस वॉज अबाउट मैप 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 की टाइप्स होती हैं पोलिटिकल मैप्स एंड फिजिकल मैप्स पोलिटिकल मैप जो हैं वो क्या बताते हैं बाउंड्रीज उन पे शो होती हैं बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट्स की जो फिजिकल मैप होते हैं उन उनपे हमें लैंडफॉर्म्स शो होते हैं लाइक डेजर्ट्स माउंटेन्स रिवर सीज एंड प्लेन्स ये होते हैं फिजिकल मैप सो दिस वाज अबाउट द मैप नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डायरेक्शंस हाउ मैनी डायरेक्शन आर देयर देयर आर फोर डायरेक्शन विच फोर डायरेक्शनस फोर मेन डायरेक्शन आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट मैप के जो टॉप के ऊपर जो सबसे ऊपर मैप के टॉप में कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ एंड द बॉटम सबसे नीचे कौन सी आएगी साउथ मैप के ऊपर है टॉप में नॉर्थ नीचे होगी साउथ सो द राइट इज ईस्ट एंड द लेफ्ट इज वेस्ट बिसाइड द फोर मेन डायरेक्शन फोर मेन डायरेक्शन की बिसाइड में क्या होती हैं सब डायरेक्शन होती हैं फोर सब डायरेक्शन बनी होती हैं नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ uh, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दिज आर फोर मेन सब डायरेक्शनस फोर मेन डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फोर सब डायरेक्शनस नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सो दीज आर अबाउट दिस वॉज दिस वॉज अबाउट द डायरेक्शनस डायरेक्शन जो हैं वो हमें मैप के ऊपर कोई भी जगह ढूंढने में हेल्प करती हैं अगर हमें मैप मैप के ऊपर मैप लेके किसी जगह पे जाना हो तो अगर हमें उसकी डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होगी तो हम उसको आसानी से ढूंढ लेंगे नेक्स्ट है कंपास। कंपास क्या है कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज अस डायरेक्शंस विच द हेल्प ऑफ अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल दिस इज कंपस कम्पस के ऊपर क्या होती है एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो कि अपने आप डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन जाना हो हमें वो डायरेक्शन में घूम के हमें उसके बारे में बताती है कि ये डायरेक्शन से ये, ये रास्ता इधर को जाएगा दिस इज कम्पस जी ये कंपस कहाँ पे यूज होती है जो सेलर्स होते हैं जो समुंदर के ऊपर करते हैं जर्नी करते हैं वो कंपस से ही अपनी डायरेक्शंस को ढूंढ लेते हैं क्योंकि वहाँ पर रोड्स नहीं होती तो उनको कैसे डायरेक्शन पता चलती है कम्पस से सो so, और एरोप्लेन में जो जैसे पायलट्स होते हैं उनको भी कंपस से ही पता चलती है सारी डायरेक्शंस तभी तो वो अपनी जर्नी कर सकते हैं वहाँ पे एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं या फिर जो सेल सेलर्स uh, होते हैं वो क्या करते हैं बोट को चलाते हैं जो शिप को चलाते हैं तो उनके पास क्या होती है एक मैग्नेटिक कंपास होती है जिससे वो क्या करते हैं अपनी जर्नी कर सकते हैं सो दिस वाज अबाउट कंपास सो इट वाज द चैप्टर नोइंग अबाउट अर्थ यू विल रीड एंड सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर फिफ्टीन थैंक यू